बेतिया नगर थाना क्षेत्र में विगत 23 मई को एक बैंक में हुई लूटकांड का बेतिया पुलिस ने खुलासा किया है। लूटकांड में शामिल सातिर अंजलि किन्नर समेत 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनके पास से लूट की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त 2 मोबाइल, 1 बाइक, 2 अर्ध स्वचालित पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस और 9,000 रुपये नगद बरामद किए गए। बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि इस कांड के मुख्य सरगना रोहित ने पुलिस दबिश के डर से कोर्ट में पहले ही सरेंडर कर दिया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्त किसी और घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। एसपी के मुताबिक सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि इस गिरोह का जो मास्टर माइंड था वो घटना कारित करने के कुछ दिन के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। किसी उसके ऊपर पूर्व में कोई केस रजिस्टर था, उस केस में अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो पूरी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करते हुए और जो मैनुअल और टेक्निकल दोनों तरीके का इनपुट का प्रयोग करते हुए इस केस का उद्भेदन किया गया। साथ ही समय रहते इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया ताकि इसी कारण से एक और घटना बच सके। इसमें महिला भी क्या शामिल थी? महिला एक्चुअली वो जो अरेस्ट किया गया जिनमें टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें 5 लोग नए अपराध करने के लिए प्लान कर रहे थे और 2 लोग जो हैं इसी गिरोह के मेंबर हैं, लेकिन वो इस गिरोह के द्वारा जो लूटा जाता है उसके जो सामान लूटे जाते हैं उसकी खरीद बिक्री करते हैं। तो उन दोनों में एक जो है एक किन्नर है।